समस्या यही है सर कि हमारे पास जगह ज़मीन नहीं है सर, तो हम जंगल में खेती करते हैं, तो जंगल वालों में परेशान करते हैं, और कई बार हमारा यहाँ धमकी दे दे के नोटिस भेजते हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 नियम 2007 के तहत यह कहा गया है कि 13 दिसंबर 2005 के पहले से जो किसान वन भूमि में काबिज कर अपना कष्टकारी कर रहे हों उनको अधिकार पत्र दिया जाएगा। वहीं उमरिया जिले के ग्राम नरवार 25 में 18 किसानों ने 2002 से काबिज कर अपना कष्टकारी कर रहे हैं, खेतीबाड़ी कर अपना परिवार पालन पोषण कर रहे हैं। मान लो यहाँ काबिज करके क्या क्या किए हैं? यहाँ काबिज करके मेड़ बंधान करे, उसमें धान लगाए, फिर भी चना बटरी घर भी बनाए हैं। तब उन्होंने जाना कि वन अधिकार अधिनियम बना हुआ है, तब 2014-15 में उन्होंने वन विभाग को आवेदन किया। वन विभाग ने भूमि के बदले उनसे 3,000 रुपये प्रति परिवार से वन विभाग द्वारा जुर्माना लगाया गया। उसके बाद भी उन्होंने आवेदन किया, इसके बाद भी कार्यवाही न होने पर ये लोग न्यायालय तक भी गए, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उल्टा ही उन 18 परिवारों के लोगों को वहां से हटने की बार बार धमकी दी जा रही है। एक बार ऐसा नोटिस दिए तो हम लोग वहां चंदिया बुलवाया गया, चंदिया में गए तो वहां से केस बनाए तो न्यायालय में दिए। अब जुर्माना हो गया, अब तुम जानते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जुर्माना हो गया तो हमको ज़मीन मिलेगा। इसमें गेहूं लगाए, गेहूं कटाई लगाए थे सर, उसी समय भोपाल तक से साहब लोग आए, जीप फुल आए, हमको धमकी देने लगे। यह वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मैं अपील करता हूं कि हमारे उमरिया जिले के कलेक्टर साहब हैं माल सिंह, जिनका ऑफिस का नंबर है 076-53-22-26-00। यह नंबर पर कॉल करके हमारा सहयोग करें। मैं रामलाल बैगा, ग्राम नरवार 25, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहार्ड के लिए।